वोटर को अगर हम प्रेरित करें तो वो नेशनलिज्म की बात करता है, लेकिन पॉलिटिशियन को ये पता है कि इसको कास्ट पर डिवाइड करूं तो मेरा फायदा है। पॉलिटिशियंस तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं देवेंद्र जी, वो क्यों किसी चीज पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे जिसमें उनको रिटर्न नहीं मिलेगा? नहीं, बहुत रिटर्न है ना, वही मैं कह रहा हूं। उनको ये पता है कि इनको अगर हम इस प्रकार से विभाजित रखें, जैसे राहुल जी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी यही चाहते हैं कि देश में लोग विभाजित रहे, और विभाजन के लिए उन्होंने जो अलग अलग चीज़ें लाई है, और ये जो माइंडसेट है ना, जो प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल माइंडसेट है, आज जिस माइंडसेट से राहुल गांधी काम कर रहे हैं ये इस प्रकार का है कि इट इज़ अ एनार्किस्ट माइंडसेट। कोई चीज़ को आप पॉजिटिवली देखो ही मत, उसमें निगेटिविटी ढूंढ कर निकालो और समाज को कहो कि ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ऐसे एक निगेटिविटी रोपित करने का काम वो कर रहे हैं। और उसी के तहत देखिए, अल्टीमेटली हमने रिजर्वेशन लाया क्योंकि समाज में विषमता है, और विषमता के लिए जब रिजर्वेशन लाया तो चूंकि वो सोशल बैकवर्डनेस है, तो सोशल बैकवर्डनेस के लिए कास्ट एक टूल है, या कास्ट एक उसका जरिया है कि जिसके माध्यम से आप सोशल बैकवर्डनेस ढूंढ सकते हो। पर अल्टीमेटली रिजर्वेशन को यूनिफायर के रूप में हमने अगर लिया तो मुझे लगता है कि उसका फायदा देश को होगा। और रिजर्वेशन को अगर हम लोगों के बीच एक दीवार बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे नुकसान होगा। इसलिए मुझे लगता है राहुल गांधी एक बहुत कन्फ्यूज टाइप के व्यक्ति है, वो यहाँ आकर अलग बात करते हैं, फिर अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका में कहते रिजर्वेशन समाप्त कर देना चाहिए, फिर यहाँ आकर और कुछ और कहते। तो मुझे लगता है कि ये जो एक अर्बन नक्सल का एक पूरा समूह जो उनको एक प्रकार से प्रेरित कर रहा है या एक प्रकार से फीड कर रहा है, उसके भरोसे उनकी बातचीत चल रही है। आपने अभी 3 बार अर्बन नक्सल कहा जी। प्रधानमंत्री जी ने भी कल जब अपनी स्पीच में, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने 2-3 बार अर्बन नक्सल कहा। देवेंद्र जी बताइए, जो वोटर है, जो गांव के लोग हैं, ये अर्बन नक्सल, ये कोई ये समझेंगे क्या है अर्बन नक्सल से? आप अर्बन नक्सल होते कौन है? देखिए, या मेंटेलिटी है, ग्रुप ऑफ पीपल है, आप क्या कन्वे करने की कोशिश? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत करीब करीब 40 वर्ष हम लोगों ने एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट इस प्रकार का नक्सलिज्म देखा, जो हमारे जंगलों में था, जहाँ पर लोग बंदूकें लेकर और ये कहते थे कि इस देश की सिस्टम पर हमें विश्वास नहीं है, इसलिए इस सिस्टम को हटाया जाना चाहिए और ये हमारा राज आना चाहिए। लेकिन धीरे 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 वो कम होता गया और पिछले 10 सालों में वो बिल्कुल समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में तो करीब करीब हम लोगों ने समाप्त कर दिया, 1 तालुका 1.5 तालुका इतना ही उसका वो बचा हुआ है। लेकिन उसके बाद ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माइंडसेट है, इसने अपनी स्ट्रेटजी बदली, उनके ध्यान में आया कि देर इज़ नो न्यू रिक्रूटमेंट, और अब बंदूक के भरोसे नहीं चल सकता है। तो उसके बाद ये एनार्किस्ट अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोगों ने इसको यूनिवर्सिटीज़ में वो लेकर गए, और उन्होंने वहाँ पर जो हमारे यंग लोग हैं इनके माइंड्स को पल्यूट करना शुरू किया। देखिए, आप भी युवा रहे, मैं भी युवा रहा हूँ, और एक 16, 17, 18, 20, 22 साल की उम्र में जब कोई निगेटिव चीज़ कही जाती है तो आदमी को एक उसमें सेंस दिखता है, क्योंकि उस समय इतना विचार करने की या इतना एक्सपोजर नहीं होता है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो वो कंप्लीट एंटी एस्टेब्लिशमेंट, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना कोई गलत नहीं है, यू कैन बी एंटी, पर एंटी एस्टेब्लिशमेंट का अर्थ एनार्किस्ट होना, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने चीज़ें तैयार की है ऐसी सारी चीज़ों को नकार देना। इस देश की संसद गलत है, इस देश की जुडिशियरी गलत है, इस देश की इंस्टीट्यूशंस गलत है, इस प्रकार का विचार रोपित करना, और यही राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, अभी इन्होंने देश की जुडिशियरी पर जिस प्रकार के आरोप लगाए, लगातार लगाते हैं, ये एक प्रकार से एनार्किस्ट माइंडसेट देख लीजिए कि अगर उनकी ओर से जुडिशियरी निर्णय देती है तो उसका स्वागत होता है, और जिस समय उनके खिलाफ निर्णय जाता है तो कहते नहीं, ये जुडिशियरी तो खत्म हो गई है, जुडिशियरी के ऊपर तो दबाव है, जुडिशियरी तो सरकार के दबाव में रिजल्ट देती है। तो इससे होता क्या है, देखिए आज हमारे लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है इसमें सबसे ज़्यादा विश्वास अर्थात क्रेडिबिलिटी जुडिशियरी के पास है। अब ये लोग जुडिशियरी की भी क्रेडिबिलिटी ख़त्म करेंगे, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि हमारा लोकतंत्र
ये कमज़ोर होगा तो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माइंड जो है, जो जिसको हम अर्बन नक्सल कहते हैं, ये लोग कर रहे हैं। अब देखिए देवेंद्र जी, अभी ये कैसे देखा जाए, मैं कभी कभी मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। आज से 10 साल पहले मुझे अनुभव हुआ राहुल गांधी से मिलने की, तो मैं देखता ही रहा उनके तरफ, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कह रहे थे। 1.5 घंटे तक इंटरव्यू चला था और मुझे लगा कि शायद समझ की कमी है, मगर मैं बहुत जेंटली बात को कह रहा हूँ, आप समझ लीजिए उसको। मगर अभी जो मुझे लग रहा है वो समझ की कमी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इस देश के इतिहास में हुआ ही नहीं है कि कोई पार्टी औपचारिक तौर से कहे कि मैं ये चुनाव के नतीजे को मानता नहीं हूं, मैं खारिज कर देता हूं, वी रिजेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट। बट ये परसों हुआ और शायद वो रिजल्ट के बीच में लोग इसको, इस पर फोकस नहीं हुई। इसको अंग्रेजी में कहते हैं निहिलिस्टिक माइंडसेट, कि पार्टी कहती है मैं चुनाव के रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करता। अभी देवेंद्र जी, कल अगर चुनाव हो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र इज अ बिग स्टेट, मेनी मोर लोकसभा एमपीज, मेनी मोर असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज, जो भी हारे, अगर आप हारे या वो हारे, अगर वो द पार्टी दैट लूजेस सेज आई डू नॉट एक्सेप्ट द रिजल्ट, देन इट इज डिफाइंस ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। मतलब आज देश की डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं है, इलेक्शन सिस्टम को मानते ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक इट इज इनोसेंट, मैं कह रहा हूं कि ये Correct. ये नासमझ तरीके से नहीं हो रहा है, ये सोची समझी तरीके से हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने की जरूर कोशिश हो रही है। और आखिर में कहूंगा, जिस तरह से बांग्लादेश में पिछली बार शेख हसीना जब इलेक्शन रिजल्ट शी वन, तब इसी तरह से कहा गया था वी डोंट एक्सेप्ट द इलेक्टोरल प्रोसेस, और उसके बाद जो हुआ बांग्लादेश में सबने देखा। तो क्या ऐसी कोई स्थिति हमारे देश में हो सकती है, कराने की कोशिश हो रही है, जिसको कहते हैं टुकड़े टुकड़े माइंडसेट और समथिंग लाइक दैट? कोशिश तो लगातार हो रही है, लेकिन भारत में ये कोशिश कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि भारत में लोकतंत्र की जड़ें ये बहुत मजबूत है। और जो आपने कहा, राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर चलते हैं, लेकिन शायद उनके संविधान में पन्ने नहीं है, केवल कवर है, क्योंकि वो कभी संविधान के अनुरूप बात नहीं करते। अभी देखिए, जो बात आपने कही, अभी चुनाव तो कश्मीर का और हरियाणा का साथ में हुआ जी। अब कश्मीर में भले ही उनकी 6 ही सीटें आई, वो तो हारी है कश्मीर में, लेकिन वो कहते हैं कश्मीर का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बीजेपी के खिलाफ है, कश्मीर ने तो बहुत अच्छा मैंडेट दे दिया। और वही हरियाणा में कहते हैं कि भाई चुनाव का रिजल्ट सही नहीं है,